बिहार के राज्यपाल दलित समाज से आते हैं, इसलिए सरकार का उनके प्रति नजरिया कुछ ठीक नहीं है। राज्य सरकार यह सब जानबूझकर कर रही है। बिहार के इतिहास में आज तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के रिश्ते कभी खराब नहीं रहे। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह का रिश्ता कायम रहेगा। यह बातें हम नहीं बल्कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कही है। पूरी बात आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। ये जो स्थिति है सरकार की, वो सबसे लड़ाई करना चाहती है। दलित वर्ग से महामहिम राज्यपाल आ गए हैं, सरकार के प्रति नजरिया ठीक नहीं है। दरअसल सम्राट चौधरी से जब यह सवाल किया गया कि बिहार में इन दिनों सरकार और राज्यपाल के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि बिहार के राज्यपाल दलित समाज से आते हैं, यही वजह है कि सरकार का उनके प्रति बेहतर नजरिया नहीं रहता है। हालांकि यह उचित नहीं है, सरकार में टकराव से नहीं बल्कि मिलजुल कर ही विकास किया जा सकता है, मगर यह सरकार तो सिर्फ सबसे लड़ना ही जानती है। कि जो स्थिति है सरकार की, वो सबसे लड़ाई करना चाहते हैं। लड़ने से कुछ नहीं होता है, यदि मिलकर विकास करने की चर्चा करें तो वो ज्यादा अच्छा है। बिहार में राज्यपाल महोदय और सरकार में कभी टकराव नहीं रहा है और ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह बड़ा स्पष्ट लगता है कि दलित वर्ग से महामहिम राज्यपाल आते हैं तो सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखे हुए। बता दें कि बिहार में इन दिनों राजभवन और सरकार के बीच कई तरह की बातों को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा VC का वेतन रोका गया, तो वहीं दूसरी तरफ राजभवन की तरफ से इस आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अब बिहार सरकार के तरफ से अधिसूचना जारी कर खुद अपने जरिए VC नियुक्ति की बातें कही गई है। हालांकि इस बढ़ते विवाद के बीच बीते शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे। आपको बता दें कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खुद आवेदन मांगा। बड़ी बात तो ये है कि राजभवन ने पहले ही कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल रखा है, लेकिन बिहार सरकार ने राज्यपाल के विज्ञापन को किनारे कर खुद नियुक्ति का विज्ञापन निकाल दिया है। बता दें कि राज्यपाल ही बिहार के विश्वविद्यालयों के चांसलर यानी कुलाधिपति होते हैं, कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के ही अधीन होती है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।